तो व्यूअर्स, आज दिसंबर की 25 डेट है। मैं अपने सभी व्यूअर्स का, बच्चों का और बुज़ुर्गों का हैप्पी क्रिसमस डे कहना चाहूँगी। और आज हम बात करेंगे इस एकोकेरिया प्लांट के बारे में, जिसको हम क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। अगर हम इसको गार्डन की सोयल में, गार्डन में ग्रो करते हैं, तो ये तकरीबन 80-90 फुट तक चले जाते हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और जावा का एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। मगर हमारे यहाँ तकरीबन हम गमलों में या छोटी क्यारी में ही लगाते हैं और इसको हम इंडोर रखते हैं। इसको लाइट की ज़रूरत होती है, मगर ज़्यादा इसको सनलाइट मत दें, डायरेक्ट सनलाइट मत दें। इसको इतना ज़रूर है कि मैं जब भी अपने सभी प्लांट्स के बारे में बताती हूँ कि ठंड के मौसम में आप सभी प्लांट्स को गुनगुना पानी दें, मगर इस प्लांट के बारे में ये उलट धारणा है कि इसको वाटरिंग ऐसी दे कि अगर हम पाइप से इसको नहलाते हैं, तो ठंडे पानी से जब इसको नहलाते हैं तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और इसकी पत्तियाँ खिल के ग्रीन कलर में, बहुत अच्छे कलर में बाहर आती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। अब फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, नीम का जैसे पानी, या नीम की खली का पानी, सरसों की खली, जो मेरी एक वीडियो पहले भी मेरी वीडियो बनी हुई है, वैसे मेरी कई फर्टिलाइज़र पे, लिक्विड फर्टिलाइज़र पे वीडियो बनी हुई है, उसे आप ज़रूर वॉच करें। इसको देने के लिए भी, वैसे भी आप सर्दी का मौसम है, उसको सर्दी के मौसम का फर्टिलाइज़र देने के लिए, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक, आप वहाँ से वॉच करें। और इसके, अगर आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसके पत्ते और भी ज़्यादा ग्रीन निखर कर आते हैं। और इसकी सॉयल को हम कैसा रखें, जैसे गार्डन सॉयल है, पीट मॉस है, कोको पीट है, इनको हम मिक्स करके, थोड़ी सी सैंड भी आप मिक्स कर लें ताकि इसकी मिट्टी मॉइस्चराइज हो जाए, मिट्टी इसकी दोमट बन जाए, थोड़ी सी भुरभुरी बन जाए। और इसको वेल्ड्रेन सॉयल में रखें और इसका पानी निकलता रहे, ना ही इसको आप सूखा रखें और अंडर ट्रे वाटर भी ना रखें और ओवर वाटर भी ना करें। आप अंडर वाटर करेंगे तब भी इसकी पत्तियां सूखकर ग्रीन हो जाएंगी, और अंडर वाटरिंग करेंगे तब भी इसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरनी शुरू हो जाएंगी। ओवर वाटरिंग करेंगे तब भी इसका नुकसान है, और अंडर वाटरिंग करेंगे तब भी इसका नुकसान है। ज़्यादा गर्मी होती है तो इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं वो बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सूख जाएंगे, अब हम कटिंग कर दें। मगर आप कभी भी इसकी कटिंग मत करें, ये जैसे जैसे सर्दी आएगी वैसे वैसे इसके पत्ते ग्रीन हो जाएंगे। अगर मैं गार्डन का अपना बहुत बड़ा प्लांट दिखाऊं तो वो गर्मी के मौसम में ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह, मगर बाद में जैसे जैसे सर्दी आएगी उस इसकी ग्रीननेस अपने आप आती जाएगी। और ये एक बहुत ही लवली प्लांट है, बच्चों के लिए बहुत खुशी देने वाला, हैप्पी क्रिसमस के हिसाब से। मैं अब इसको मेरे पोते के लिए डेकोरेट करूँगी, फिर मैं आपके साथ फिर दूसरी बार शेयर करूँगी। ये हमने, मेरे पोते ने इसको डेकोरेट किया क्रिसमस ट्री को, और मेरा पोता सेंटा क्लॉज बना हुआ है। हाय व्यूअर्स, हैप्पी क्रिसमस, बोलो हैप्पी क्रिसमस। मेरे सभी व्यूअर्स को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, सभी को हैप्पी क्रिसमस, बहुत बहुत खुशियां देने वाला ये आने वाला साल रहे। हैप्पी क्रिसमस। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।